सभी सम्मानित दोस्तों का आत्मविश्वास फैमिली में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल या इस फैमिली का एक ही उद्देश्य है कि पूरे इंडिया में वो हमारे यहाँ जो भी लोग हैं उनके तक ये जानकारी पहुँचाया जाए, अपनी हम जानकारी पहुँचाएँ और आप लोग अपनी जानकारी भेजें, उस जानकारी को इस चैनल के माध्यम से सबको जागरूक किया जाए जिससे वो भी अपना बिजनेस करें और आगे बढ़ें। जैसे दोस्तों, आप हम जानते हैं सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है, बिजनेस में है। तो जानकारी, जैसे मेरे पास कुछ जानकारी है, आप पता लगा कलकत्ता दिल्ली वार्ड में कहीं है, आपके पास हमसे बहुत ज़्यादा जानकारी है और हमको विश्वास है इससे भी ज़्यादा जानकारी आपके पास है। अगर वो जानकारी आप कमेंट बॉक्स के द्वारा या मेल के द्वारा मेरे पास पहुँचाएंगे और हम अपनी जानकारी, ये सब जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाएंगे तो लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो कितना बड़ा हम लोगों को दोस्तों फल मिलेगा, बहुत बड़ा उपकार मिलेगा। ये उपकार की भावना से इस चैनल का जो है स्थापना की गई है। इस चैनल का मेन एक ही विजन है कि सबको जो है जानकारी दे के जागरूक किया जाए, पढ़ाई के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, सब चीज़ क्षेत्रों में उनको जागरूक किया जाए। दोस्तों, अगर इस विचार से आप सहमत हैं दोस्तों, तो आप भी इस फैमिली का सदस्य बनिए और अपने फैमिली का हमको भी सदस्य बनाइए। सदस्य बनने के लिए दोस्तों कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यार दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए। आपके यार दोस्त भी कोई IAS होगा, कोई PCF होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, कोई डॉक्टर होगा दोस्तों, तो उन लोगों को विचार आएगा, ये सब विचार भेजा जाए, किया जाए, सब लोग आगे बढ़े, यही तो हमारी पहले की संस्कृति रही है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों चैनल को एक बार फिर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो को देख रहे हैं। और एक बार फिर आपको चैनल के माध्यम से हम आपका जो है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक ऐसा विचार बिजनेस लेके आए हैं, इस क्षेत्र में हमको दोस्तों 2020 से इस क्षेत्र का अनुभव है फार्मास्यूटिकल लाइन का। हम ये विचार शेयर करने जा रहे हैं, आप जैसे जान रहे हैं कोई भी क्षेत्र हुआ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में पैसा है और एक प्रोफेशनल बिजनेस है दोस्तों। तो इस बिजनेस में 1 लाख रुपए से कम का कैसे हम स्टार्ट करें, सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। आप भी करिए दोस्तों और दूसरों को भी करने के लिए सलाह दीजिए। तो हम पूरी जानकारी जो भी होगी हम आप लोगों तक देंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प भी हो सकेगा हम हेल्प भी करेंगे दोस्तों, यही है। और हम जो अपना अनुभव दे रहे हैं दोस्तों, इस अनुभव में जो आपको अच्छा लगे उसको सेव कर लीजिएगा और जो ना अच्छा लगे दोस्तों परिवार का सदस्य जान के माफ़ करके उसको डिलीट कर दीजिएगा दोस्तों, अच्छाई को सेव करिएगा, यही हमारा एक रिक्वेस्ट है। हम चलिए बात करते हैं दोस्तों कि हमारा इसमें बंदवा बनवाने से लेके अपनी खुद की कंपनी हमने डाला, कैसे बेचना शुरू किया, सब कुछ किया। तो आज हम इसी क्षेत्र में 7 तरह के ऐसे बिजनेस बताने वाले हैं दोस्तों जो कभी बंद नहीं होगा और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और सब लोग भी कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, मैं इजी तरीके से बताने वाला हूं, ये आप लास्ट तक हमसे बने रहिए, मैं पूरा बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 7 तरह के बिजनेस कैसे हैं, एक प्रोफेशनल लाइन का भी बिजनेस है। तो आज हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फ्रेंचाइजी कंपनी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है दोस्तों, तो आप किसी भी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके आप खुद उसके एज मालिक बन करके, बिना कंपनी डाले मालिक भी बन करके, उसके 1500 जो भी कंपनी में प्रोडक्ट हैं, रनिंग प्रोडक्ट हैं, आप उसको ले कर सेल भी कर सकते हैं और सेल करवा भी सकते हैं या अपना मेडिकल भी कर सकते हैं। अब हम उसमें खर्चे की बात करें, आपको लेना क्या होगा दोस्तों, एक आप होलसेल का लाइसेंस ले लीजिए या होलसेल का ना ले करके आप वैसे ले लेंगे हो। अगर आप रिटेल का लाइसेंस लेते हैं दोस्तों, रिटेल में आपको फार्मास्यूटिकल होना, फार्मा डिग्री होना चाहिए, जैसे डी फार्मा, एम फार्मा या जो है बी फार्मा, ये सब डिग्रियाँ होना चाहिए, नहीं तो आपको 4 से 5 साल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये मैं UP का बता रहा हूँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कुछ टर्म एंड कंडीशन हो सकते हैं, ये आप वहाँ के DI ऑफिस में जाके जानकारी ले सकते हैं काम शुरू करने के पहले। लेकिन अगर आप होल सेल का लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको 6 से 7 महीना किसी होल सेल वाले या एक साल का होल सेल का आपको अनुभव सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा किसी मेडिकल से, आप ये बनवा सकते हैं। उसमें
फार्मासिस्ट होना जरूरी नहीं है, आप 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम में तो भी आपका बन जाएगा। उसको ऑनलाइन होता है दोस्तों, अदर अदर स्टेट में तो नहीं बता जाता हूँ, हमारे यूपी में ऑनलाइन होता है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपको एक हफ्ते के अंदर जो है मिल जाएगा। तो इसके लिए आप 12th पास हैं और जो जरूरी कागजात हैं वो आपके पास होंगे, एक जो चाहिए रूम का रिग्रीमेंट अगर आपका है तो कोई बात नहीं है, किराए का है तो वो जो है किराया नामा और बिजली, और उसके बाद आपको चाहिए कंप्यूटर, ये सब कुल मिला जुला के अगर आप देखेंगे दोस्तों, लाइसेंस बनने की जो प्रक्रिया होगी और इसकी GST नंबर लेना पड़ेगा, GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो प्रक्रिया है दोस्तों 50,000 में नियर अबाउट हमने ज़्यादा बता दिया, जबकि होलसेल लाइसेंस का फीस 3,000 रुपये है, कुल मिला जुला के हमने खर्चे 50,000 बता दिया। 50,000 में मान लो 15-20,000 का आपका कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया 20,000 में, और 20,000 ड्रग लाइसेंस, यानी कुल 50,000 आपके इधर लग गए, और 40 से 50,000 रुपये में कंपनी का आप 40-50 प्रोडक्ट जो रनिंग है, जैसे पैरासीटामॉल मल्टी विटामिन सिरप हो गया, और जो PPI हो गया जैसे पेंटाप्राजो लिशल प्राइड, इस तरह के जो रनिंग प्रोडक्ट है 8-10 रनिंग प्रोडक्ट आप मंगवा लीजिए किसी कंपनी का 40 से 50,000 में। तो आप इस ढंग से मंगवा करके भी इसको अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। ये तो हो गया फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट का। अब बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी 1,00,000 में कैसे शुरू करें। तो दोस्तों 1,00,000 में भी शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है कंपनी का वो बनवाना पड़ेगा। जैसे आपने कोई नाम, दुकान का नाम चॉइस कर लीजिए दोस्तों, दुकान का नाम अच्छे स्पेस में, दुकान का नाम एक लेने के बाद उसका ट्रेडमार्क ले लीजिए, फिर आगे चल करके उसी को आप कंपनी बनवा लीजिएगा। अगर आप अभी इसी में समय कंपनी बनवाएंगे तो आपका जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी बनवाने में 25,000 से 30,000 रुपये लग जाएंगे कंपनी रजिस्टर्ड करवाने में। तो आप एक नाम को चॉइस करके उसी पे आप ट्रेडमार्क ले लीजिएगा, ट्रेडमार्क का जो तो 7,000 से 8,000 रुपये है, उन नाम से आप ट्रेडमार्क आपका हो जाएगा, तो आप आगे चल के उसी नाम से कर लीजिएगा। तो कोई एक ऐसा यूनिक नाम ले लीजिए क्लास ऑफ 5 में, आप उसको ट्रेडमार्क ले लीजिए, ट्रेडमार्क 7-8 हज़ार हो गया, तो 7-8 हज़ार में आपका ट्रेडमार्क जब बन गया तो फिर ये हो गया 7 से 8 हज़ार रुपये। अब आपको एक होलसेल लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तो एक आप होलसेल लाइसेंस बनवा लीजिए 3,000 रुपये में दोस्तों। अलग अलग स्टेटों में हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन वैसे 3,000 ही रुपये है, प्लस उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बहुत खास नहीं, आप 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं, तो किसी स्ट्रीम में कर सकते हैं। तो इसको आप DI ऑफिस जा करके वहाँ से आप डॉटर लेके, या आपके क्षेत्र में आपके स्टेट में कैसे बनता है, ऑफलाइन बनता है ऑनलाइन बनता है, ये आप पता करके एक 3,000 रुपये का ये हो गया दोस्तों। तो अब 8,000 रुपये प्लस 3,000 11,000 रुपये में आपने अपना नाम, मेडिकल स्टोर सब चॉइस कर लिए, कुछ फर्नीचर बनवा लीजिए, बाकी आप कंपनी को बनाने के लिए वहाँ पर फर्नीचर बनवाने की ज़रूरत नहीं, एक ऑफिस दिखाना जिससे DI आके बनाएंगे। और उसके लिए आपको चाहिए क्या, एक फ्रिज चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा, कुल मिला जुला के आपका ये 50,000 रुपये में इसको हो जाएगा। अब आप एक ही प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, बचा आपके पास 50,000 रुपये, 50,000 में कई प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे, एक प्रोडक्ट बनवा के वही मार्केट में बेचिए रनिंग, चाहे आप मल्टीविटामिन सिरप ले लीजिए, चाहे आप मल्टीविटामिन कैप्सूल ले लीजिए, एक प्रोडक्ट बनवा करके आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये हो गया, बाद में आपके पास जैसे बजट हो आप बढ़ाते जाइए। अब दूसरा आ गया आयुर्वेदिक कंपनी। आयुर्वेदिक कंपनी में दोस्तों ये तो और इजी है, आयुर्वेदिक कंपनी तो का 1,00,000 रुपये में आपका आराम हो जाएगा। इसमें करना क्या, एक आपको रूम लेना 120 स्क्वायर फीट का, और आपको GST नंबर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके बाद 2-3 प्रोडक्ट जो आप चाहते हैं, इसमें आपको ड्रग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको GST चाहिए, और अगर आप फूड प्रोडक्ट ला रहे हैं तो या FSI नंबर चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, वो मार्केट ट्रेडिंग के लिए 1 साल का 100 रुपये लगता है, वो भी जान लीजिए फ्री है। FSCI ना, वो उद्योग आधार नंबर लेना चाहे तो कंपलसरी नहीं है, वो ले सकते हैं, तो आपका एक वो भी लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपका जो कॉस्ट आ गया वो GST नंबर फ्री है, प्लस आपका प्रोडक्ट का नाम चुन लीजिए, प्रोडक्ट का 2-3 नाम जो आप चाहिए रनिंग प्रोडक्ट है, जैसे लीवर सिरप ले लीजिए, या आपको एक जो दर्द का पेन किलर ऑयल चलता है बहुत अपने आप बिकता है, इसको आप ले लीजिए, एक आयुर्वेदिक जो है दर्द कैप्सूल ताकत का ले लीजिए,
या त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, या कॉन्स्टिपेशन का जो ज़्यादा समय इस समय बिक रहा है, जैसे पेट फफा बिक रहा है, या कायम चूर्ण बिचा, इस तरह से जो पाउडर पड़ रहा है, ये दो तीन प्रोडक्ट आप ले लीजिए। तो ये दो तीन प्रोडक्ट कागज में तो आपको 10-15 हज़ार में कागज बन गए, इसमें वो सब जरूरत नहीं है आपको, लैपटॉप या प्रिंटर ये सब जरूरत फ्रिज की नहीं है। तो आपने ये ले लिए, 3-4 प्रोडक्ट आप बनवा के अपना आप बेच सकते हैं, अपने नाम का ब्रांड बनवा के बेच सकते हैं। जो दो तीन नाम लेंगे दोस्तों उसका आप ट्रेडमार्क ले लीजिएगा, अगर आपको आगे भविष्य में बड़ा काम करना है तो। एक प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क दोस्तों 7-8 हज़ार रुपये आता है, इस ढंग से आपको करवा के 50 हज़ार में हो जाएगा। 50 हज़ार में आप दो कुछ भी लेना, दो तीन प्रोडक्ट आप लॉन्च कर दीजिए। अब उसके बाद आ गया आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी, आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी कंपनी। आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी में आपको दोस्तों जीएसटी नंबर लेना है और कुछ नहीं लेना है। जीएसटी नंबर एक रूम ले लीजिए जहाँ से आप माल रखेंगे, माल रखने के बाद जहाँ से आप सप्लाई करेंगे। दुकान हो गई, दुकान अगर आपकी खुद है घर से भी कर सकते हैं, नहीं किसी मार्केट में आप एक शॉप ले लीजिए, शॉप का वही जीएसटी नंबर लगेगा, प्लस आपका अगर चाहते हैं उद्योग आधार नंबर वगैरह करवा लीजिए, नहीं तो इसको बाद में करवा लीजिएगा, क्योंकि बाहर से माल मंगाने के लिए आपको जीएसटी नंबर ही चाहिए। और आप कच्चा बिल भी काट सकते हैं, कंप्यूटर की अभी ज़रूरत नहीं है शुरुआत के लिए। इसमें भी अच्छा वही प्रोडक्ट की आप फ्रेंचाइजी लीजिए जो मार्केट में रनिंग कर रही है। तो उस फ्रेंचाइजी में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने एक जिले का फ्रेंचाइजी लिया, उस एक जिले में कंपनी किसी और को प्रोडक्ट नहीं देगी, आपको ही सारा प्रोडक्ट देगी। तो आप उस कंपनी में अपने ढंग से आप रेट से बेच सकते हैं, कंपनी का जो रेट मार्केट में खर्चा होता है वही खर्चे काट के आपको नेट रेट पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती है। अगर आपको फ्रेंचाइजी करना है सब, तो आप इसको भी कर सकते हैं 1 लाख। उसके बाद आता है आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर दोस्तों, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, इसमें कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें जीएसटी भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी में जो है 50 लाख के नीचे का साल का टर्नओवर है तो जीएसटी नहीं लेना है, इसके बाद 50 लाख के ऊपर का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लेना है। और दोस्तों अलग अलग स्टेटों में आप पता कर लीजिएगा आपकी स्टेट में कितना जीएसटी का है, वैसे किसी की भी स्टेट में जो है 20-25 हज़ार से कम नहीं होगा। हाँ अगर माल आप बाहर से मंगा रहे हैं तो जीएसटी लेना पड़ेगा, लेकिन मेडिकल स्टोर तो अंडर जिले से माल मिल जाएगा और इधर उधर से, ये भी आप 1 लाख के नीचे करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल बिजनेस है। उसके बाद आ गया होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर भी आप खोल सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में जैसे कोई डॉक्टर है या जो कुछ रनिंग प्रोडक्ट है तो इसके भी आप ले करके, इसमें भी कोई कागज लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक शॉप लीजिए, शॉप लेने के बाद उसके कुछ फर्नीचर वगैरह मेंटेनेंस करवा के आप वो खोल सकते हैं। उसके बाद आ गया मेडिकल स्टोर यानी एलोपैथिक मेडिकल स्टोर। अगर देखिए आप देखिए कम से कम चाहे शहर हो या गाँव हो, कम से कम 50% मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस ही नहीं है, वैसे सब अपना चला रहे हैं। तो ऐसे भी चलाने के लिए आपको फर्नीचर बनवाना है, फर्नीचर बनवा करके जो रनिंग प्रोडक्ट हैं उसी को आप 10 इफ्टी पे 5 सिरप जैसे चमनप्राश हो गया, जैसे कम्बीफ्लाम हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, जो रनिंग प्रोडक्ट हैं, बी का फूल हो गया, जैसे आप अगर नहीं जान रहे हैं तो जिस मार्केट में आप खोल रहे हैं वहाँ डॉक्टर देख लीजिए जो लिख रहा है, उनसे जाइए मिलिए कि सर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा लिख रहे हैं, तो उसी हिसाब से एक लिस्ट बना के आप उतना ही माल रखिए। तो फिर जिस हिसाब से पर्चे आते रहेंगे, थोक वाले दुकान वाले दोस्तों सबके मार्केट में ही लगभग मिलते हैं, तो आप उन्हीं के यहाँ से माल उठा के फिर बेचिए, जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो आप उसी तरह से अपना आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये सातों बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस है, आप इंटर पास हैं तो आप कर सकते हैं आपके अंदर और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये कभी बंद होने वाले बिजनेस नहीं है। अगर आपको बिजनेस में कोई दोस्तों और सलाह देना है तो आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको और अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो फिर एक बार यही रिक्वेस्ट है, इस फैमिली का आप सदस्य बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब कराइए दोस्तों, और अपने अनुभव भेजिए, जो भी इसमें और त्रुटियां हो उसको डिलीट करिए, जो भी अच्छाई चीज़ें हो उसको सेव कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे कोई और वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, और शेयर बटन दबा के दोस्तों सबके पास शेयर कर दिए, हो सके किसी और को हेल्प मिल जाए। जो आपने अपना इतना बहुमूल्य कीमत एक पूरे परिवार के लिए दिया, आपने विचारों को सुना और अपने विचार भेजे, हमको बहुत बड़ी खुशी होती है। इसलिए आपको देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर इस चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।